आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हेलो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है हाउ द कंट्रास्ट इज एनहांस्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वेयर द इमेज इज ऑप्टेन तो कंट्रास्ट कैसे इंक्रीज करे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में और इमेज कैसे ऑप्टेन हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो यूज होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है जब हम वेरी वेरी स्मॉल कोई ऑब्जेक्ट है उसे हमें ऑब्जर्व करना है तो ये मैग्नीफाइड इमेजेस हमें प्रोवाइड करेंगे और इन मैग्नीफाइड इमेजेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कई सारे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर सकते हैं लेकिन ये कंट्रास्ट बनाने के लिए थिन एंड ड्राई सेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है अल्ट्राथिन एंड ड्राई सेक्शन ऑफ मटेरियल जिस मटेरियल का एग्जामिनेशन करना है उनका अल्ट्राथिन सेक्शन और ड्राई सेक्शन लेना जरूरी होता है आ? और अंडर स्टडी अंडर स्टडी इज इम्प्रेग्नेटेड इज इम प्रेग्नेटेड विथ सम मेटल सम मेटल का हम यूज करेंगे इससे क्या हो जाएगा एनहांस होगा कॉन्ट्रास्ट टू एनहांस कॉन्ट्रास्ट तो इन्हें इम्प्रेगनेट करना होगा कुछ मेटल के साथ जिससे क्या हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज हो जाएगा और नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि हमें फोटोग्राफिक जो इमेज है वो मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए वेयर द इमेज इज ऑप्टेन तो ये इमेज हमें मिलती है फोटोग्राफिक फिल्म पे या फिर स्क्रीन पे तो हम लिखेंगे इमेज इज ऑप्टेंड इमेज इज ऑप्टेंड ऑन एक तो फोटोग्राफिक फिल्म बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं स्क्रीन पे हमें इमेज मिलेगी तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब हम यूज करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा और ये इमेज माइक्रोस्कोप की स्टडी मतलब माइक्रोस्कोप के हेल्प से जो हमें इमेज मिलेगी मैग्निफाइड इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलती है तो फोटोग्राफिक फिल्म पे या फिर स्क्रीन पे ये हम आंसर बता सकते हैं थैंक यू क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेकर नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअसएप कीजिए अपने डाउट आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर